जी, मेरा नाम अमित धवन है। ओरिजिनली आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई थिंक मोर देन 15 इयर्स, अभी 15 साल हो चुके हैं मुझे मुंबई में, और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है अब तक। उम्मीद है आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। इसमें आई एम प्लेइंग अ वॉरियर, एक किंग है ये, जो अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है और सक्षम है किसी से भी युद्ध करने में। तो मैं यहाँ पर उदय सिंह की मदद करने के आया हूँ ताकि वो ये युद्ध जीते किसी भी तरह से। मैंने थिएटर किया अपने कॉलेज के टाइम से, थिएटर कर रहा था मैं। थिएटर करते करते ही बस फिर एक ऐसा मौका मिला कि बॉम्बे आना हुआ, और बॉम्बे आते आते बस शुरू हो गया सिलसिला। टीवी कमर्शियल्स काफ़ी किए मैंने। पहले मैंने किया ग्रेविएरा कमर्शियल, विच इज़ क्वाइट फेमस, एंड आई गॉट द गुड मनी इन दैट। फिर सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि बस फिर कुछ और करने का फिर हुआ ही नहीं। फर्स्ट शो था मेरा कहीं किस रोज़, बालाजी के साथ में। उसमें बहुत ही एक अच्छा कैरेक्टर था, जो है कि 1 साल 1.5 साल तक मैं करता रहा शूटिंग, और बस उसके बाद बालाजी के साथ एक रिलेशन बना। फिर कई शो करने का मौका मिला मुझे बालाजी के साथ में, कभी सौतन कभी सहेली, कुछ झुकी सी पलकें, कसम से, मैनी मोर। हाँ, गिनती नहीं होगी यार, काफ़ी शो कर लिए। पर यार मर्यादा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मर्यादा डीजेस का था, स्टार प्लस पे, मैं और काम्या पंजाबी थे उसमें। वो एक अलग कैरेक्टर था, बड़ा करके मज़ा आया, वो काफ़ी अप्रिशिएट हुआ वो। एंड आज भी मुझे, मैं मिस करता हूँ उस कैरेक्टर को। वो एक कैरेक्टर था जिसमें काफ़ी सारे वेरिएशन थे। आई मीन एज एन एक्टर, वो एक अपॉर्चुनिटी है फॉर एन एक्टर टू प्ले दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर। उसमें काफ़ी वेरिएशन थे। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड फॉर हिस, ही वॉज नॉट फिजिकली वेल, एंड ही वॉज सो पैशनेट फॉर हिस फैमिली, फॉर हिस वाइफ। सो वो सब चीज़ों का एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था जो उसकी नेचर में था। तो वो पोर्ट्रे करने का बहुत अच्छा मौका मिला, जिसमें उसकी बीवी के साथ एक अलग रिलेशन है, उसकी बेटी है, उसकी अदर फैमिलीज हैं। तो वो एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था जो कि प्ले करने का बड़ा ही मज़ा आया। एज एन एक्टर, वर्सेटाइल एक्टर, तो कुछ भी करने को बोलेंगे आप तो करेगा, लेकिन मैं एंजॉय करता हूँ थोड़ा सा सीरियस कैरेक्टर हो, थोड़े से जिसमें डेप्थ हो, तो उस तरह के कैरेक्टर करने में मज़ा आता है। बाकी तो जिस तरह की कैरेक्टर हमें दिए जाएं या मौका मिले, तो हम तो हर तरह हर कैरेक्टर को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। यही एक कैरेक्टर की पहचान होती है। बेस्ट सीरियल मेरा रहा मर्यादा, स्टार प्लस पे था वो। फिर उसके बाद लाइफ ओके पे अमृत मंथन था, जिसमें किंग का कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा था। आई एंजॉय दैट आल्सो। मूवी के बारे में बस सोचना शुरू कर चुका हूँ मैं, और बहुत ही सीरियस हूँ मैं मूवीज़ को लेकर। अभी ये हो सकता है शायद मेरा लास्ट शो हो, क्योंकि अभी मैं फिलहाल सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ मूवीज़ के ऊपर। तो आप जल्दी मुझे देखेंगे एक अच्छी मूवीज़ में, और एक अच्छे बैनर के साथ, और एक अच्छे डायरेक्टर के साथ। स्ट्रगल तो था लाइफ में, लेकिन फिर भी इतना मुश्किल नहीं था। मुझे नहीं लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा स्ट्रगल किया है। कमर्शियल्स बहुत करने का मौका मिला मुझे। मैंने कमर्शियल्स काफ़ी किए, मोर देन 100 कमर्शियल्स मैंने किए। तो थ्रू कमर्शियल्स लोगों ने मुझे जानना शुरू किया, फिर अपने आप ही उन्होंने मुझे बुलाना शुरू किया, और बस सिलसिला शुरू हो गया। हाँ जी, कितने सीरियल कर चुका हूँ सर? मैं नाना करते कम से कम मुझे लगता है 1500-1600 या 1520 शो हो चुके हैं, 20 ऑलमोस्ट डिफरेंट शोज। सबका तो नाम बताना मुझे याद नहीं, शायद फिर भी कह सकता हूँ शायद मेरा पहला शो था कहीं किसी रोज़ बालाजी के साथ। भैया उसके बाद कभी सौतन कभी सहेली, कुछ झुकी सी पलकें, कसम से, अभी ये शो कर रहा हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस पे, आगे अमृत मंथन, कसम से, देयर आर मेनी शो विच आई हैव डन यार। महाराणा इज़ वंडरफुल प्ले, आई मीन इज़ अ वंडरफुल कैरेक्टर टू प्ले। मैंने नहीं सोचा था कि इतना कुछ करने को मुझे मौका मिलेगा एज एन एक्टर, लेकिन ये एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है, जो एक आम जिंदगी आप इस तरह से नहीं जीते, तो उस तरह का कैरेक्टर प्ले करने में एक अलग ही मज़ा है। वो चीज़ें मैं महसूस करता हूँ करते हुए, जिसमें आप अपने आप को लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं, एक्सप्रेशंस वेरिएशंस बहुत लाउड होते हैं, और बहुत जज्बा होता है वो शो करने के लिए। इस तरह के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आपको बहुत एनर्जी चाहिए और मज़ा आता है करके। ये मैंने इस बार फर्स्ट टाइम देखा, जिसमें आपको कॉस्ट्यूम पहननी पड़ती है, आपको कई तरह की एक्सेसरीज पहननी पड़ती हैं, सोट पकड़नी होती है, फिर तलवारों को लेकर आपको घोड़ों पे दौड़ना पड़ता है। तो ये मज़ा है, एक फैंटेसी है, लेकिन एक एंजॉयमेंट है इस कैरेक्टर को करने में।
अरे आप पूछिए मत, गर्मी का तो हमने क्या क्या बर्दाश्त किया। ये तो अभी आप बहुत अच्छा मौसम देख रहे हैं, हमने तो जून और जो मई में शूट किया है जिसमें हम सिर्फ युद्ध ही करते रहे। उस टाइम पे तो हमारी हालत ऐसी होती थी कि हम आपको क्या बताएं, सिर्फ ऊपर से लेकर नीचे तक गीले होते रहते थे। हर 3 से 4 घंटे में हमारी कॉस्ट्यूम चेंज होती थी और हालत बहुत ही बुरी थी। देखिए ना, अभी तक टैन गया नहीं है। खाने में आई प्रेफर वेजिटेरियन, एक अच्छा सादगी वाला खाना ही अच्छा लगता है। सिंपल दाल रोटी अच्छी लगती है और इसी तरह का खाना मैं पसंद करता हूँ। बॉलीवुड में मैं बड़ा ही इन्फ्लुएंस रहा हूँ दिलीप कुमार की एक्टिंग के साथ। दिलीप जी की एक्टिंग से मैं बहुत ही फैसिनेट होता हूँ उनको देखकर, जिस तरह से वो पोर्ट्रे करते हैं कैरेक्टर, बहुत ही सटल और रूहानी तरीके से जो वो एक्टिंग करते हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है जो दिखाई नहीं देती आजकल के कैरेक्टर में, आजकल के लोगों में। लेकिन मैं उस चीज़ को महसूस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपने अंदर लेकर आऊँ, उस चीज़ को कहीं ना कहीं पैदा करूँ। उनकी एक्टिंग से मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ हमेशा। और यस, अमिताभ बच्चन, जिन्हें नकारा नहीं जा सकता, जिनकी शोहरत को, काबिलियत को मैं हमेशा से प्रेज करता रहा हूँ। सबसे अच्छा मुझे काम उनका कई फिल्मों में लगा, लेकिन हाँ, शोले और शराबी मेरी फेवरेट है, जिसमें उनका काम कमाल ही था। मतलब उसको बयान करना अपने आप में मुझे लगता है कम होगा। मुझे हो तो नथुलाल जैसी हो, वरना ना। यहाँ के डायलॉग, यहाँ के तो बहुत डायलॉग है, लेकिन हाँ कुछ एक अच्छा है। जैसे आज ही था एक डायलॉग मेरा करके मजा आया, जिसमें उसको बोला जाता है कि आपने जो भी कुछ किया हमारे युद्ध के साथ या हमारे लोगों के साथ, अब समय आ चुका है कि उसे युद्ध को बंद कर दिया जाए। लेकिन अकबर उसको मना करता है, फिर हम उसको बोलते हैं अपने जवाब से, तो जवाब देते हैं कि हे अकबर, अब ध्यान से सुन ईसरदास का उत्तर, हमारे जीते जी तो इस महल में, इस दुर्ग में कभी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि ये दुर्ग अब मेरा है, इसका संरक्षक मैं हूं और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, इसकी चाबियां मेरे कंधों पर हैं जो तुम कभी नहीं खो सकोगे। फैमिली बैकग्राउंड में बस मेरी तो पूरी दुनिया ही मेरी फैमिली है, अपना कहने को कोई नहीं, क्योंकि तो पेरेंट्स हैं नहीं, पेरेंट्स एक्सपायर हो गए 15 साल 16 साल पहले, तो मैं अकेला ही हूँ। लेकिन देखा जाए तो पूरी दुनिया मेरी है, मैं पूरी दुनिया का हूँ। मैं दिल्ली से, मुश्किल था, इतना आसान तो कुछ भी नहीं रहा लाइफ में, और कुछ भी आसान मुझे लगता है जो हो वो ठीक भी नहीं है। कहीं ना कहीं जब आप चीज़ों को देखते हैं कि जो मुश्किल है, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि थोड़ी चीज़ें आसान नहीं है, तो उस समय आप कुछ ना कुछ और सीखते हैं, और वो सीख जो है वो आपको काम देती है लाइफ में। तो मुझे लगा ये सिलसिला जो है अच्छा रहा, सीखने को बहुत मिला, और आज इस मुकाम पर हूँ। शुक्र मनाता हूँ ऊपर वाले का जो उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और आज जैसा भी हूँ खुश हूँ। बेस्ट सिंगर में आजकल अरिजीत ही अच्छा लगता है, रूह से गाता है, अच्छा गाता है, दिल से गाता है, उसी के गाने अच्छे लगते हैं। मैं इन गानों में तो इतना खास नहीं हूँ, डायलॉग बोलेंगे एक्टिंग बोलेंगे तो वो मैं करवा के दिखा सकता हूँ, करके देख सकता हूँ, लेकिन गानों में थोड़ा हाथ तंग है मेरा, तो उसमें कुछ खास नहीं है। ये कमाल का क्वेश्चन किया आपने। यस, ये प्रश्न अच्छा लगा मुझे। काम तो मैं बहुत लोगों के साथ करना चाहूँगा, लेकिन मैं फर्स्ट पहला काम अपना जो है मैं विशाल भारद्वाज के साथ करना चाहूँगा। उनके बारे में ये है कहना कहना चाहूँगा कि जब भी उन्होंने कुछ बनाया है या कुछ दिखाने की कोशिश की है ऑडियंस को, जब भी उन्होंने कुछ देने की कोशिश की है, उसमें कुछ ना कुछ नया था, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा जो जो रूह से था, जिसमें एक आम इंसान जुड़ता है, आम इंसान अपनी खुद की ज़िंदगी देखता है उसमें, तो उस तरह के रोल को मैं करना चाहूँगा जिससे एक आम इंसान उसे जुड़ सके, समझ सके कि हाँ ये तो शायद मैं ही हूँ। उस तरह के कैरेक्टर को, उस तरह की रूह को, उस तरह की स्क्रिप्ट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उस तरह के सिनेमा को। मेरी तो ऐसे बहुत सारी ख्वाहिश है, बहुत सारे लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ मैं, लेकिन यस ये लोग कमर्शियली हैं, लेकिन मैं इन्हीं के साथ काम करना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा फैसिनेट होता है उनको देखकर जिस तरह के काम ये करते हैं। वो है शाहरुख खान, इरफान खान, ऑफकोर्स अमिताभ बच्चन। अगर उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा तो अपने आप में एक एक मुकाम होगा मेरे लिए।
ईद मनाता हूँ। मेरे कई दोस्त जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो मुसलमान ही हैं और मैं उनके साथ रह के बड़ा खुश हूँ। ये पाक महीना है और मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हीं के साथ इफ्तारी रखूँ, और मेरी हर रोज़ जब भी मेरा पैकअप होता है, जिस दिन शूट नहीं करता, मैं उन्हीं के साथ इफ्तारी करता हूँ, और बड़ा ही आनंद आता है सबके साथ बैठ के इफ्तारी को करने में। एक अलग ही सुकून, एक अलग ही पाक समय महसूस होता है उनके साथ। ईद में एक ये समय है जिसमें आप सभी से मिलते हैं, आप सभी से रू रूहान होते हैं, सारे गम और शिकवों को भूल जाते हैं और एक दूसरे को दुआएं देते हैं, उनकी खुशियों की दुआएं मांगते हैं। यही एक मौका है जिसमें आप सब एक दूसरे से भूल जाते हैं, सबके जो दुख हैं, जो एक गिले शिकवे हैं वो भूल जाते हैं और दिल से गले लगते हैं। मैं यही बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी बहुत ही छोटी सी है, कोशिश करें खुश रहें, जिस चीज़ में आपको लगे कि आपको खुशी मिलती है वो चीज़ हमेशा करें। और दुख और सुख तो ज़िंदगी का एक पहलू है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो कि रहेंगे हमेशा, उसी में आपको खुश रहना सीखना है और खुश रहेंगे। मैं अभी नया शो साइन किया स्टार प्लस पे, ये एक रिश्ता क्या कहलाता है, जो 7 साल से आ रहा है, उसमें मैं एक नए कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्व हुआ हूँ, उसमें एक बिजनेस मैन हूँ, रिच मैन हूँ। परसों से मैंने शूट करना शुरू किया स्टार प्लस पे, वो शो है। और मैं साउथ की मूवीज़ करता हूँ, तमिल मूवीज़ बहुत करता हूँ एज ए मेन विलेन। यस, यशराज के साथ मेरा एक प्रोग्राम है, मेरा एक मीटिंग चल रही है, ऑनलाइन है, अगर वो चीज़ें फाइनल होती हैं तो आप मुझे जल्द ही यशराज के एक बड़े बैनर में देखेंगे जिसमें सलमान खान होगा और मैं मेन विलेन में होऊंगा, मेन नेगेटिव में होऊंगा। आप जल्दी देखेंगे इंशाल्लाह अगर वो चीज़ फाइनल हो जाती है। तमिल मूवीज़, तेलुगु मूवीज़ जितनी भी, उसमें सब मैं मेन विलेन करता हूँ। और विलेन करके फ़ायदा यह है कि देखिए, एक तो आपको उस लैंग्वेज को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दूसरा उसमें आप बड़े ही वहाँ काम करने का फायदा है कि बड़े प्रोफेशनल हो जाते हैं आप, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको लोगों के साथ काम करके। जो शिफ्ट है, जो उन लोगों का तरीका है, जो जज्बा है काम को लेके, वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है सर। आप बहुत कुछ सीखते हैं वहाँ पर, बहुत ही प्रोफेशनल हैं आप। 6 to 6 की अगर जॉब है तो 6 to 6 आपको अपना बेस्ट देना है। वो वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं अपने काम की, वही सीखने को मिलता है। मूवी अपने आप में एक बड़ा कैनवास है, एक अपना है, अपने आप में एक बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्किट है, जिसमें जिसका सिनेमा लेवल बड़ा होता है, करने का कुछ जज्बा ही एक अलग होता है, बजट अलग होता है, उनका कैरेक्टराइजेशन अलग होती हैं, पब्लिक से जो उनका कनेक्शन है वो एक्सपेंसिव होता है, हर चीज़ एक डिफरेंट है। ये एक फ्री सिनेमा है, फ्री इंटरटेनमेंट है, जिसमें टीवी ऑन किया आप अपने किसी को भी देख सकते हैं, लेकिन सिनेमा में जब आप काम करते हैं तो आपको उन लोगों को देखने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो जाके सिनेमा में आप उनको देख सकते हैं, ये एक बड़ा फर्क है। Thank you. खड़ो ही नहीं। देखिए बाली मेरे उतर चुकी है तो वो मेरे हाथों में है, को मारेगा मत, बुरा मत मानेगा। सेट पे देखेंगे आप, लगे होंगे सेट पे। थैंक यू। ओके सर, वहाँ बैठे हैं आप, ऊपर चले जाइए। सर सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम है राज ठाकुर।